यहाँ पर हम देखें, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर 10 मिली एम्पियर, फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर हमें निकालना, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखा 10 मिली एम्पियर, तो सेंसिटिविटी होती है 1 डिवाइड बाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी 1 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 10, यानी कि 100 ओम पर वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे दिया हुआ है ये 100 मिली एम्पियर मीटर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, 10 मिली एम्पियर का मीटर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, यानी कि आरएम की वैल्यू 100 ओम, कन्वर्टेड इनटू 200 मिली एम्पियर एमीटर। तो मीटर की एमीटर की रेंज एक्सटेंस करनी है, तो शंट का रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जब मीटर की रेंज एक्सटेंड करते हैं तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है RSS इक्वल टू RM अपॉन M माइनस 1, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम देखें, पहले M की वैल्यू हम निकालें, तो M 200 10 मिली एम्पियर से 200, तो यहाँ पर हम निकालते हैं जैसे इंडक्टेंस ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का इंडक्शन दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है 10 + 6 थीटा माइक्रो हेनरी, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियन फ्रॉम जीरो पोजीशन, और यहां पर दे रखा है एज्यूमिंग स्प्रिंग कांस्टेंट, के की वैल्यू रखिए 10 × 10 की मीटर, करंट ऑफ 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर करंट के लिए डिफ्लेक्शन के लिए क्या होगी, तो सबसे पहले हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। थीटा की वैल्यू फार्मूला होता है पर थीटा इक्वल टू 1/KC एंड हाफ 1/KC हाफ I² dl dθ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/KC हो जाएगी, एंड थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 1/KC, केसी की वैल्यू है 10 × 10^5 इंटू हाफ I² यानी करंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू है 6 एम्पियर, तो 6 का स्क्वायर इंटू dl/dθ। तो dl/dθ की वैल्यू क्या होगी, ये होगी dl/dθ की वैल्यू 6 × 10^-6, ये है dl/dθ, क्योंकि यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये dl/dθ आएगी 6, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी थीटा की कितनी, 10.8, तो 10.8 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल हैपन टू ऑपरेटिंग टॉर्क ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग टॉर्क पर क्या होगा, इफ द करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल इज हाफ, तो यहाँ पर करंट थ्रू ऑपरेटिंग कॉइल है वो हाफ कर दी जाए, व्हाट विल हैपन टू ऑपरेटिंग टॉर्क ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इफ द करंट थ्रू द ऑपरेटिंग टॉर्क इज हाफ, तो करंट को हाफ कर दिया जाए तो टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I² के, अगर इसको ही हम हाफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं अगर करंट को हमने हाफ कर दिया है तो टॉर्क 1/4 हो जाएगी, यानी कि 1/4 क्योंकि स्क्वायर है। नेक्स्ट हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द MI टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। पहला तो यह है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों के लिए अप्लाई किया जा सकता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आर सूटेबल फॉर बोथ AC एज वेल एज DC सर्किट, ये सही है। दूसरा, फ्रिक्शन एरर इन MI टाइप इंस्ट्रूमेंट इज वेरी लेस, तो फ्रिक्शनल एरर होती है वो लेस होती है क्योंकि मूविंग पार्ट लाइट वेट AI डिस्क होती है, यानी एल्यूमिनियम डिस्क होती है इसमें, तो इसलिए फ्रैक्शनल एरर है इसमें बहुत कम होती है। फिर टॉर्क वेट रेशियो ऑफ MI टाइप इंस्ट्रूमेंट इज हाई,
एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क वेट रेशियो होता है वो हाई होता है, हाई टॉर्क टू वेट रेशियो एंड लो फ्रैक्शनल एरर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट इज मच हायर एज कम्पेयर टू पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये गलत है, हाई कॉस्ट नहीं होती, इसकी कॉस्ट लो ही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट रखा मल्टीमीटर कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज मेजरमेंट कर सकता है। मल्टीमीटर कैन यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर, तो मल्टीमीटर पावर मेजरमेंट के लिए नहीं किया जाता है, वोल्टेज मेजर करता है, करंट भी मेजर कर लेता है, रेजिस्टेंस भी ये मेजर कर सकता है, लेकिन पावर मेजर नहीं करता। पावर हम कैसे मेजर करते हैं, बी टू आई से हम मेजर करते हैं पावर। नेक्स्ट देखें, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन क्यूज ऑफ मैग्नेटिक डिके इन पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो मेन डिके होता है वो किसकी वजह से होता है, तो पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो मेन डिके होता है वो होता है क्योंकि यहाँ पर एज की वजह से डिफरेंस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एगिंग ऑफ मैग्नेट, यानी इन पीएमसी परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड हुज स्ट्रेंथ डिके विथ एज, तो पीएमसी परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है जहाँ पर स्ट्रेंथ है वो एज से जा रही हो। व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इफ द वैल्यू ऑफ सिस्टम वोल्टेज इज 11,000 वोल्ट, टर्न रेशियो ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज 108, परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 5%, तो परसेंटेज एरर दे रखी है 5%, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि टर्न रेशियो जो होता है वो होता है V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11,000 इज द सेकेंडरी वोल्टेज, तो 11,000 इफ द वैल्यू ऑफ सिस्टम वोल्टेज इज 11,000, यानी 11,000 इंटू 1 डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पर रेशियो ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर दे रखा है 108, तो इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी 11,000, यानी परसेंटेज 5% एरर दे रखी है यहाँ पर, 11,000 डिवाइड बाई 108 इंटू 5% एरर दे रखी है, तो 95% आ जाएगा, 95 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगी हमारी परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ ट्रांसफार्मर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 96.8% आएगी, तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगी ट्रांसफार्मर की जो कि वी एक्चुअल होगी, तो ये V2 है, इस V2 को एक्चुअल में हमें निकालना है, तो 95 डिवाइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5% एरर दे रखी है। नेक्स्ट देखें, जैसे डिटरमाइन द फुल स्केल रीडिंग ऑफ पीएमसी टाइप वोल्टमीटर, तो पीएमसी टाइप वोल्टमीटर की फुल स्केल रीडिंग को हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द फुल स्केल रीडिंग ऑफ ए पीएमसी टाइप वोल्टमीटर व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज 230 किलोवाट ओम एंड द सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द वोल्टमीटर इज 170 किलो ओम एंड द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर इज 3 किलो ओम पर वोल्ट। सेंसिटिविटी दे रखी है इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें एक दे रखा है सीरीज रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो सेंसिटिविटी हमें निकालनी है, तो सेंसिटिविटी हम कैसे निकालेंगे, सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है आर एक्सटर्नल यहाँ पर हम देखें, जैसे कि ये जो वैल्यू है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होता है, सेंसिटिविटी वोल्टेज ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर सेंसिटिविटी दे रखी है 3, आर एक्सटर्नल जो दे रखा है यहाँ पर वो दे रखा है इंटरनल, यहाँ पर व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर 230 किलो ओम, 230 किलो ओम इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, और ए सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द वोल्टमीटर इज 70 किलो ओम, तो सीरीज रेजिस्टेंस 70 किलो ओम वोल्टमीटर के साथ कनेक्टेड, तो दोनों को जोड़ दिया हमने यहाँ पर, डिवाइड बाई वी फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो वी फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी 100, तो यहाँ पर पूछिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू, तो 100 आ जाएगी यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ सर्किट,
इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम ओनली एसी सर्किट सिस्टम के अंदर यानी एसी सप्लाई के अंदर यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट हम देखें द रेंज ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। द रेंज ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग मीटर रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज 0 टू 50 वोल्ट। The range of moving coil instrument having meter resistance of 6 ohm is 0 to 50 volt. Find the value of multiplying factor of series resistance if full scale deflection current is 5 ampere. अगर full scale deflection current की value दे रखी है 5 ampere और यहाँ पर instrument के अंदर resistance दे रखा है 6 ohm जो कि resistance है, series resistance हमें निकालना है। Find the value of multiplying factor of series resistance. तो sensitivity के according हम निकाले, sensitivity का formula क्या होता है 1 divided by full scale value. तो यहाँ पर sensitivity के formula की बात करें full scale value यानी कि total resistance की value होगी R plus RSE divided by VFSD. ये होती है हमारी sensitivity. अब sensitivity दे रखी है यहाँ पर if the full scale deflection current is 5 ampere. तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखी है 5 एम्पीयर यानी कि 1 डिवाइड बाई आई एफ एस डी होती है सेंसिटिविटी। तो ये हो रखी है 1 बाई 5 इक्वल टू आर, आर की वैल्यू क्या दे रखी है 6 है, 6 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, 6 प्लस आर एस ई की वैल्यू हमें निकालनी है डिवाइड बाई वी एफ एस डी यानी फुल स्केल वैल्यू डिफ्लेक्शन की वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 50। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें आर एस ई की वैल्यू, तो यहाँ से आर एस ई की वैल्यू आ जाती है 4 ओम यानी सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है 4 ओम। अब हम देखें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी एम इक्वल टू आर एस ई प्लस आर आर एस ई डिवाइड बाई आर एम प्लस 1। आर एस ई की वैल्यू आई है 4, आर एम की वैल्यू पहले से 6 है प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 6। तो यानी 10 डिवाइड बाई 6 की वैल्यू क्या आएगी 1.67, तो 1.67 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें ए 100 वोल्ट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड अलोंग विथ वोल्ट मीटर। तो 100 वोल्ट का क्या है, 100 वोल्ट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्ट मीटर के साथ में यूज किया गया है, यूज्ड अलोंग विथ वोल्ट मीटर हुज रीडिंग इज 24.5 वोल्ट। तो इसकी रीडिंग दे रखी है 24.5 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ हाई वोल्टेज टू बी मेजर्ड। तो हमें वो वैल्यू निकालनी है जो हाई वोल्टेज पर मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वोल्टमीटर रीडिंग रखिए यहाँ पर 110 डिवाइड बाई 100 यानी कि V1 डिवाइड बाई V2 का रेशियो जो होगा वो 110 डिवाइड बाई 100 से क्या आ जाएगा 24.5 आ जाएगा यानी V2 की वैल्यू आ जाएगी 24.5 क्योंकि यहाँ पर वोल्टमीटर हुज रीडिंग इज 24.5 दे रखी है। तो वोल्टमीटर की रीडिंग है V1 डिवाइड बाई V2 से हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग। तो V1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, V1 की वैल्यू क्या होगी 110 डिवाइड बाई 100 इंटू 24.5। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 26.95, तो 26.95 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या दे रखा है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज ए कॉइल ऑफ डायमेंशन ऑफ 10 mm एंड 20 mm। कॉइल की डायमेंशन दे रखी है 10 mm इंटू 20 mm। द फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप इज 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 0.25 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन। इफ द करेंट ऑफ 10 mA इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, अगर 10 mA की करेंट है कॉइल के थ्रू फ्लो हो रही है then calculate the number of turn required to produce a angular deflection of 60 degree. तो यहाँ पर हम बात करें PMMC की बात करें, permanent magnet moving coil instrument है जिसके अंदर coil of dimension दे रखा है 10 mm to 20 mm, flux density दे रखा है flux density in air gap
वो दे रखा है 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 0.25 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन। इफ द करंट ऑफ 10 mA इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, अगर करंट है यहाँ पर 10 mA है कॉइल के थ्रू फ्लो हो रही है, तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री। तो पीएमसी के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर पीएमसी के अकॉर्डिंग के सी थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है, तो एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं के सी थीटा, के की वैल्यू क्या है 0.25 × 10⁻⁶, 0.25 × 10⁻⁶। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई थ्री के सी थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री दे रखी है इंटू 10⁶ डिवाइड बाई, अब क्या है बी आई, तो बी की वैल्यू है 2 × 10 की एयर गैप है यहाँ पर, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप, तो 2 × 10³, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 10³। जैसे के सी थीटा, अब यहाँ पर हमें निकालनी है एन की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर पूछी है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न, तो एन की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो के सी के 0.25 पाई बाई थ्री, ये दे रखी है पाई बाई थ्री थीटा की वैल्यू डिवाइड बाई क्या आ जाएगा वी, वी की वैल्यू है 2 × 10³, 2 × 10⁻³ इंटू आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या है, डायमेंशन दे रखा है यहाँ पर 10 mm × 20 mm, तो 10 × 20 आ जाएगा, और क्योंकि ये न्यूटन मीटर है, मीटर को एमएम में बदला है इसलिए 10⁶ से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर 5/3 × 10⁶, और एक और दे रखी है यहाँ पर करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में, तो ये आ जाएगी इंटू 10 × 10⁻³, तो इससे एन की वैल्यू आ जाएगी 60। जैसे जनरेटिंग वोल्टेज है, वोल्ट मीटर है, वो क्या यूज करेगा, जो जनरेटिंग वोल्ट मीटर है यहाँ पर वो कांस्टेंट स्पीड मोटर यूज करता है, जनरेटिंग वोल्ट मीटर यूज, तो कांस्टेंट स्पीड मोटर यूज इन जनरेटिंग वोल्ट मीटर। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विद सिस्टम वोल्टेज ऑफ 6600 वोल्ट एंड हैविंग टर्न रेशियो ऑफ 50 इफ द मेजर्ड सेकेंडरी साइड वोल्टेज इज 130 वोल्ट। तो मेजर्ड सेकेंडरी वोल्टेज है यहाँ पर, मेजर्ड सेकेंडरी साइड वोल्टेज है 130 वोल्ट है, सिस्टम वोल्टेज रेशियो की बात करें, सिस्टम वोल्टेज रेशियो दे रखा है 6600, तो इसको हम निकाल सकते हैं 6600 परसेंटेज वोल्टेज एरर दे रखा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, सिस्टम वोल्टेज ऑफ 6600, तो सिस्टम वोल्टेज रेशियो हम निकाल रहे हैं परसेंटेज एरर से, तो यह आ जाएगा 6600 / 130, इससे आ जाएगी वैल्यू सिस्टम वोल्टेज रेशियो की, यानी एस वी आर की, सिस्टम वोल्टेज रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 50.76। और यहाँ पर परसेंटेज वोल्टेज एरर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आ जाएगी 50.76 - 50 / 50.76, तो ये इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.51, तो 1.51 हमारा आंसर होगा। ये टोटल कोर लॉस इज आल्सो रेफर्ड एज, तो टोटल कोर लॉस हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक लॉसेज होते हैं टोटल कोर लॉस। नल टाइप रिकॉर्डर आर, तो नल टाइप रिकॉर्डर क्या होता है, नल टाइप रिकॉर्डर आर पोटेंशियोमीटर हो सकता है, पोटेंशियोमेट्रिक हो सकता है नल टाइप रिकॉर्डर, ब्रिज रिकॉर्डर भी हो सकता है नल टाइप रिकॉर्डर,
और LVDT भी यहाँ पर नल टाइप रिकॉर्डर के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, ए 50 हर्ट्ज एसी वोल्टेज इज मेजर्ड विद ए मूविंग आयरन वोल्टमीटर एंड ए रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द मीटर रीडिंग आर V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली, द मीटर आर फ्री फ्रॉम द कैलिब्रेशन एरर, देन द फॉर्म फैक्टर ऑफ एसी वोल्टेज विल बी एस्टिमेटेड एज। तो फॉर्म फैक्टर है एसी वोल्टेज का क्या होगा, तो एक मूविंग आयरन वोल्टमीटर लगाया हुआ है पैरेलल में, उसके साथ में रेक्टिफायर भी लगाया हुआ है एसी वोल्टमीटर का, तो इसमें हम फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आएगी 1.11 इंटू V1 डिवाइड बाई V2, यानी 1.11 से हम जो भी वैल्यू है मेजर्ड किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू 1.11। द मेन ड्रॉबैक ऑफ बैलेंस रिकॉर्डर इज दैट, मेन ड्रॉबैक क्या है बैलेंस रिकॉर्डर का, मेन ड्रॉबैक ऑफ बैलेंस रिकॉर्डर इज दैट देयर एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू रैपिडली चेंज क्वांटिटीज इज क्वाइट लिमिटेड। मिलीमीटर स्क्वायर, इट मींस दैट, तो जो साइज होती है वेंचुरी मीटर की वो एक्सप्रेस की जाती है 200 × 100 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये के इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द डायमीटर ऑफ पाइप इज 200 मिलीमीटर एंड दैट थ्रॉट इज 100 मिलीमीटर। तो डायमीटर पाइप का 200 मिलीमीटर है और थ्रॉट उसका 100 मिलीमीटर। व्हाट रिप्रेजेंट द डिपार्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड रीडिंग फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पर हम देखें क्या दे रखा है, व्हाट रिप्रेजेंट द डिपार्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड रीडिंग, व्हाट रिप्रेजेंट द डिपार्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड रीडिंग फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ रीडिंग दैट इज डेविएशन। द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेम्परेचर इन एक्सपोज्ड सिचुएशन वेयर एटमॉस्फेरिक वेरिएशन कैन इंटरफेस विद टेम्परेचर मेजरमेंट गिव्स राइज टू। तो मेजरमेंट है सरफेस टेम्परेचर का, उसको हमें एक्सपोज्ड करना है। द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेम्परेचर इन एक्सपोज्ड सिचुएशन, तो एक्सपोज्ड सिचुएशन में हम देखते हैं कि जहाँ पर एटमॉस्फेरिक वेरिएशन होते हैं उनके साथ में ये इंटरफेस कर सकता है टेम्परेचर मेजरमेंट। तो ये किसकी एरर को इंक्रीज करेगा, तो ये हमारा एरर को इंक्रीज करेगा, इंटरफेरेंस एरर को इंक्रीज करेगा। इट इज ए एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस एरर वेयर द सरफेस टेम्परेचर इज इन्फ्रेड बाय द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एरर विच मे बी वेरिएबल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर आर क्लासिफाइड एज। तो जो एरर है यहाँ पर जो वेरिएबल होती है किसके अंदर क्लासिफाई किया जाता है, तो उसको हम रैंडम एरर की तरह क्लासिफाई करते हैं। दी एरर विच मे बी वेरिएबल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर आर क्लासिफाइड एज रैंडम एरर। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट इज द मोस्ट सिंपल इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन कंट्रोल पैनल। तो मोस्ट सिंपल इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो कि कंट्रोल पैनल में यूज किया जाएगा, वो यहाँ पर है लाइट बल्ब, जो कि कंट्रोल पैनल में यूज किया जाता है। दिस इज द मोस्ट सिंपल इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन कंट्रोल पैनल। द मल्टीमीटर इज ऑफन कॉल्ड VOM विच इज द एब्रीवेशन ऑफ वोल्ट ओम। तो वोल्ट ओम का एब्रीवेशन है यहाँ पर, तो वोल्ट ओम के आगे हम देखें क्या होता है, VOM वोल्ट ओम मल्टी या मिली एमीटर हम बोल सकते हैं। मल्टीमीटर इज ऑफन कॉल्ड VOM विच इज एब्रीवेशन ऑफ वोल्ट ओम मिली एमीटर। एन इंडिविजुअल एनालाइजर इज नॉट सूटेबल फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडिविजुअल एनालाइजर है वो किसके लिए सूटेबल नहीं है, इंडिविजुअल एनालाइजर है वो रेजिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है, बाकी पावर के लिए सूटेबल है, करंट के लिए सूटेबल है और पावर फैक्टर के लिए भी सूटेबल है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर रखा है डिमांड मीटरिंग, द डिमांड मीटरिंग इज मीन ऑफ इंडिकेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिमांड मीटरिंग के अंदर हमें क्या इंडिकेट करना होता है, डिमांड मीटरिंग के अंदर हम पीक लोड पीक पावर पीरियड हम इंडिकेट कर सकते हैं, हाई लोड फैक्टर हम इंडिकेट कर सकते हैं,
लो के डब्ल्यू एच कंजप्शन हम इंडिकेट कर सकते हैं डिमांड मीटरिंग के अंदर। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ फर्स्ट डायल ऑन द राइट ऑफ डायल वाट आवर मीटर इंडिकेट। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ फर्स्ट डायल ऑन द राइट ऑफ डायल वाट आवर मीटर इंडिकेट, तो ये है हमारा नंबर ऑफ सिंगल यूनिट। तो दिस इज द नंबर ऑफ सिंगल यूनिट डज द रीडिंग ऑफ फर्स्ट डायल ऑन द राइट ऑफ डायल वाट आवर मीटर इंडिकेट। ए रेक्टिफायर यूज इन द इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्पज ऑफ, तो रेक्टिफायर है इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस पर्पज के लिए यूज आता है, ये एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। रेक्टिफायर यूज टू कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। इन्वर्टर जो काम करता है वो डीसी को एसी में बदलने का काम करता है, और चॉपर है वो डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलने का काम करता है। मोर पावर इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट मूविंग आयरन मीटर, अगर मूविंग आयरन मीटर को ऑपरेट करना है तो हमें मोर पावर की जरूरत होती है देन पीएमसी मीटर, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या होगा, तो मूविंग आयरन मीटर के अंदर यहाँ पर मोर पावर की जरूरत होती है जब पीएमसी मीटर को लगाते हैं उसके कंपेरिजन में। तो इसका मतलब क्यों हमें मोर पावर की जरूरत होती है मूविंग आयरन के लिए, तो उसकी वजह है रिलक्टेंस, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट के अंदर बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट इज हाई रिलक्टेंस। इन ए स्टैंडर्ड मल्टीमीटर फॉर मेजरिंग एसी वोल्टेज, तो स्टैंडर्ड मल्टीमीटर में अगर हमें एसी वोल्टेज मेजर करना है, इन स्टैंडर्ड मल्टीमीटर फॉर मेजरिंग एसी वोल्टेज पैरामीटर, तो एसी वोल्टेज पैरामीटर को मेजर करना है स्टैंडर्ड मल्टीमीटर में, तो हमें आरएमएस वोल्टेज है वो मेजर करना होगा। क्या मेजर करना होगा, आरएमएस वोल्टेज। एक करंट ट्रांसफार्मर दैट इज यूज्ड टू मेजर द 100 एम्पियर करंट बाई 5 एम्पियर एमीटर, तो 5 एम्पियर एमीटर से एक ट्रांसफार्मर है जो कि 100 एम्पियर करंट को मेजर करना चाह रहा है, तो कौन सा टाइप का करंट ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम यूज करेंगे। फंक्शन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम आर, तो इंडिकेटिंग रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन, ऑल आर दी फंक्शन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। तो मेजरमेंट सिस्टम प्रोवाइड मेजरमेंट रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इन ए फ्लक्स मीटर द कंट्रोलिंग टॉर्क इज, तो फ्लक्स मीटर में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होती है, इन ए फ्लक्स मीटर कंट्रोलिंग टॉर्क इज, कंट्रोलिंग टॉर्क इज नॉट प्रोवाइडेड एट ऑल, तो यहाँ पर फ्लक्स मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। इन फ्लक्स मीटर द स्प्रिंग इज नॉट यूज, दैट्स वाई देयर इज नॉट कंट्रोलिंग टॉर्क इन फ्लक्स मीटर, यानी फ्लक्स मीटर में कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पर नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडीज रेडिएटिंग एनर्जी इन विजिबल स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कौन सा यहाँ पर बेस्ट मेथड है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, ऑफ हॉट बॉडीज रेडिएटिंग एनर्जी इन विजिबल स्पेक्ट्रम, हॉट बॉडीज रेडिएटिंग एनर्जी इन विजिबल स्पेक्ट्रम, दैट इज ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। मल्टीमीटर यूजेज डिफरेंट मल्टीप्लायर टू इंक्रीज द, तो मल्टीमीटर है यहाँ पर, मल्टीमीटर यूजेज डिफरेंट मल्टीप्लायर, तो मल्टीमीटर यहाँ पर डिफरेंट मल्टीप्लायर यूज करता है, किसके लिए यूज करता है, टू इंक्रीज द वोल्टेज रेंज। मल्टीमीटर यूजेज डिफरेंट मल्टीप्लायर टू इंक्रीज द वोल्टेज रेंज। व्हाट थ्री इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड बाई मल्टीमीटर, मल्टीमीटर के द्वारा थ्री इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, वो वोल्टेज है, करंट है और रेजिस्टेंस है, ये तीनों क्वांटिटीज हैं, ये मल्टीमीटर के द्वारा मेजर की जाती है, पावर मल्टीमीटर के द्वारा मेजर नहीं की जाती। विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए पावर फैक्टर मीटर इंडिकेट, तो पावर फैक्टर मीटर इंडिकेट है, क्या इंडिकेट करता है पावर फैक्टर मीटर, करंट इज लीडिंग एंड लैगिंग द वोल्टेज, द करंट इज लीडिंग और लैगिंग। पावर फैक्टर मीटर ये बताता है कि करंट वोल्टेज से लीड कर रही है या फिर लैग कर रही है, सिर्फ वो बताने के लिए काम आता है हमारा पावर फैक्टर मीटर। नेक्स्ट हम देखें, ए वार मीटर इज यूज टू इंडिकेट, वार मीटर क्या इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, वार मीटर इज यूज टू इंडिकेट
the amount of reactive power. Wattmeter is used to indicate the amount of reactive power. If a wattmeter is used in circuit, अगर हम एक सर्किट में वाटमीटर यूज करते हैं, इफ ए वाटमीटर यूज्ड इन सर्किट वेयर इट इज सेफ वोल्टेज और करंट रेटिंग इज एक्सीडेड द मीटर विल, तो मीटर विल ऑपरेट इरास्टिकली। तो यानी हम कह सकते हैं इफ ए वाटमीटर यूज्ड इन ए सर्किट, अगर हम एक सर्किट में वाटमीटर यूज करते हैं, इफ ए वाटमीटर यूज्ड इन सर्किट वेयर इट इज सेफ वोल्टेज और करंट रेटिंग इज एक्सीडेड द मीटर विल ऑपरेट इरास्टिकली। नेक्स्ट देखें, जैसे ए मूविंग आयरन मीटर विल ऑपरेट ऑन, तो मूविंग आयरन मीटर है वो एसी, यानी आइदर एसी और डीसी सर्किट। The dead time of instrument referred to. तो dead time है instrument का किस लिए refer किया जाता है? Dead time of instrument is referred to the time before the instrument began to respond after the quantity has altered. That is called dead time for the instrument. Voltmeter is a galvanometer with. तो voltmeter क्या है? Galvanometer को अगर हम series में क्या कर देते हैं? Resistance connect कर देते हैं। तो high resistance वोल्टमीटर इज गैल्वेनोमीटर विद हाई रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा वोल्टमीटर। डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आर प्रोवाइडेड विद, डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट वो किसके साथ प्रोवाइड किए जाते हैं? डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैं वो यहाँ पर होते हैं फिनोमेटिक डैम्पिंग टाइप में। फिनोमेटिक डैम्पिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में। द वोल्टेज ऑफ सर्किट इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, वोल्टेज है सर्किट का वो मेजर किया जाता है बाय वोल्टमीटर। हैविंग इनपुट इंपेडेंस कंपेरेबली विद द आउटपुट इंपेडेंस ऑफ सर्किट, देयर बाय क्यूजिंग द एरर इन वोल्टेज मेजरमेंट द एरर मे बी कॉल्ड एज, तो एरर यहाँ पर क्या कहलाएगी? एरर क्यूज्ड बाय लोडिंग इफेक्ट। एरर ड्यू टू द इंटरनल इंपेडेंस ऑफ वोल्टमीटर ड्यूरिंग द मेजरमेंट इज नोन एज लोडिंग इफेक्ट। मूविंग आयरन मीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर, तो मूविंग आयरन मीटर है वो एसी और डीसी दोनों में मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें, द सीरीज मैग्नेट ऑफ सिंगल एनर्जी मीटर का, तो सीरीज मैग्नेट ऑफ द सिंगल एनर्जी मीटर कंसिस्ट ऑफ कॉइल द थिक वायर ऑफ फ्यू टर्न, पोटेंशियल डिवाइडर इज नॉर्मली कनेक्टेड आउटसाइड द जनरेटर सर्किट टुवर्ड्स द लोड सर्किट, पार्ट शुड बी ऑब्जर्व व्हेन कनेक्टिंग ए वोल्टमीटर इनटू डीसी सर्किट। अगर एक वोल्टमीटर को हमें डीसी सर्किट में कनेक्ट करना है तो क्या ऑब्जर्व करना होगा? ये यहाँ पर पोलरिटी हम ऑब्जर्व करेंगे अगर हमें वोल्टमीटर को डीसी सर्किट में कनेक्ट करना है। बार शुड बी ऑब्जर्व बाय कनेक्टिंग ए वोल्टमीटर इनटू डीसी सर्किट, तो डीसी सर्किट में अगर कनेक्ट करना है तो हमें पोलरिटी को यहाँ पर ऑब्जर्व करना जरूरी है। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।